प्रधानमंत्री मोदी क्लाइमेट चेंज पर एक बड़े ही खास सम्मेलन के लिए दुबई पहुंचे हैं। सम्मेलन को COP यानी क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। यह इस तरह का 28वां सम्मेलन है जहां PM कई ग्लोबल लीडर्स के साथ मीटिंग में शामिल हो गए। इससे पहले उनके दुबई पहुंचते ही भारतीयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लोगों ने हर हर मोदी के नारे लगाए और सभी ने एक स्वर में कहा, अब की बार 400 पार शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री ने अपने उत्साह जाहिर किए और अपने एक्स पोस्ट में कहा, दुबई में भारतीय समुदाय के गर्मजोशी से स्वागत से बहुत प्रभावित हूँ। उनका समर्थन और उत्साह हमारी जीवन संस्कृति और मजबूत संबंधों का प्रमाण है। मोदी जी यहाँ पे आए और हम लोगों को उन्होंने आके बोला कि आप पुणा से है क्या, क्योंकि हम लोग इतना पगड़ी वगैरह पहन के आए थे उनके वेलकम के लिए। तो ये स्पेशली हम सब लोग महाराष्ट्र से है, हम लोग सब यहाँ दुबई में 20 साल से रह रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लगा कि मोदी जी आए, उन्होंने हम सबसे हाथ मिलाया और ही इज़ अ ग्लोबल लीडर एंड हमें बहुत खुशी हुई उनसे मिलकर। हम बहुत खुश है कि मोदी जी ने आके हमसे हाथ भी मिलाया और उन्होंने हमको पहचाना पगड़ी की वजह से। We are very happy. मोदी जी को देख करके ऐसा लगा अहो भाग्य धन्य हो गए, आज UAE में 20 साल से रह रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के जलारी पेटा भीषण आग लग गई। इस आग में मछुआरों की लकड़ी के बॉक्स भी जलकर खाक हो गए। वहीं आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है। आग की लपट इतना भीषण है कि काफी दूर से उनको देखा जा सकता है। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल से सुरक्षित बाहर निकले सभी मजदूर आज सेवा विमान से पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर 5 मजदूरों को एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया है। सुरंग से निकले गए राज्य के 5 श्रमिकों को भोजपुर के सबा अहमद, सरन और सोनू कुमार साह, रोहतास के सुनील कुमार, बांका के वीरेंद्र किशु और मुजफ्फरपुर के दीपक कुमार शामिल है। ऋषिकेश में मौजूद इनके परिजन भी साथ में वापस लौटे। इन सभी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्त की गई है। उत्तराखंड टनल से सुरक्षित निकाले बाहर के 5 मजदूरों को बिहार सरकार अपने खर्च पर वापस लाई है। उनके साथ 9 परिजन भी आए हैं। मजदूरों का स्वागत के लिए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनके चेहरे पर सुरक्षित घर वापस लौटने की खुशी साफ झलक रही थी। बहुत खुशी की बात है, हम अपने परिवार के साथ आ गए। ये दोनों हमारी बहन हैं, बहनोई साहब मेरे हैं, भांजा ये है, मेरा भाई ये भी एक गया था। सबसे बड़ी बात है कि कंपनी उत्तराखंड सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया और हमारे भाई साहब लोग जो गए थे नैयर अहमद, जो हमारे भाई साहब गए थे 17 दिन कंटिन्यू, बंदा खाना पीना खुश नहीं, कंटिन्यू हम लोग को निकालने में जुटा रहा। उसका चेहरा देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा सर। हम तो थे अंदर में तो अलग बात था कि हम अंदर फंसे थे, ऐसा हो गया, लेकिन वो बाहर रह के ना खाया ना पिया, बस जिंदा रहने के लिए खाया और पिया, हम लोग को जी जान लगा के हम लोग को बाहर निकाला सर।
मंजर कैसा था 17 दिन जो अंदर 17 दिन का मंजर देखिए सर, एक दो दिन हम लोग डरे सर, लेकिन फिर हम लोग को आदत सी होगी, क्योंकि मैं ये नया नहीं, मैं इस कंपनी में 14 साल से हूँ, नयुगा कंपनी में 14 साल से हूँ, मुझे मालूम था कि प्रॉब्लम आएगा, एक दो दिन दिक्कत होगा, लेट होगा, लेकिन बाहर हम लोग आ जाएंगे, आगे देखने वाली बात रहेगी। ठीक है सर, आगे उस कंपनी में और टनल में काम करने जाएंगे या बिहार में रहकर ही आप काम करेंगे? उत्तराखंड स्थिति सिलकियारा टनल से सकुशल निकले उत्तर प्रदेश के 8 श्रमिकों ने आज लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की और आप बीती सुनाई। टनल में फंसे श्रमिकों ने पूरी घटना का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह से अचानक टनल धांसा और वे लोग मलबे में फंस गए, जिसके बाद सुरंग से निकलने के जद्दोजहद करने में जुटे रहे। सभी श्रमिकों का शाल उड़ाकर स्वागत किया और उनके जज्बे को सराहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी है। एकदम अच्छे लग रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आप लोगों से मुलाकात करेंगे? जी मुलाकात करेंगे हम लोग। कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है सर। और हमारे जो हमारे धन्य भाई हैं, जो हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। एग्जिट पोल के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पार्टी की जीत पर विश्वास जताया और कहा कि कांग्रेस 4 राज्यों में सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा दूसरे राज्यों के एग्जिट पोल अच्छे हैं, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में भी माहौल अच्छा है, तेलंगाना में हमें करीब 80% सीटें मिली है, कांग्रेस 4 राज्यों में सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल्स पर दीपक बोस कहा सेमीफाइनल में कांग्रेस 4 राज्यों में सरकार बनाएगी, लोकसभा चुनाव में मिलेगा फायदा। बाकी राज्यों का एग्जिट पोल अच्छा है, मध्य प्रदेश में हम लोग देखे वहां का माहौल भी, हम लोग मैं खुद 2 दिन मंदिर दर्शन गया था, फिर सभी लोग चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं चर्चा हुई, जनता से भी चर्चा हुई, वहां भी अच्छा माहौल है। तेलंगाना तो मैं पार्टी के आदेश पर स्वयं प्रचार करने गया था, तेलंगाना पे जबरदस्त माहौल है, वहां तो 80+ सीट आएगी तेलंगाना में। इस तरह से 5 राज्यों के चुनाव में स्पष्ट रूप से 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये तो सेमीफाइनल है। अशोक गहलोत के करीबी और कैबिनेट मंत्री महेश जोशी ने कहा जनता की पसंद अशोक गहलोत है, जन भावना ये अशोक गहलोत के साथ है, अशोक गहलोत में किसी को कोई कमी नहीं नजर आई है। एग्जिट पोल पर राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी ने कहा कि चैनलों पर जो एग्जिट पोल दिखाए गए हैं उनमें दम नहीं है, एग्जिट पोल पर नहीं जाया जा सकता है, जनता की पसंद और उनका निर्णय 3 तारीख को सामने आएगा, कांग्रेस सरकार बनाएगी। ये लगता है जिस तरीके से कुछ एग्जिट पोल दिखाए गए विभिन्न चैनल्स पे, उन एग्जिट पोल्स में कोई दम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि एग्जिट पोल का कुछ भी स्टैक दांव पे नहीं लगा होता है, गलत साबित होते हैं अगली बार फिर एग्जिट पोल लेके आ जाते हैं, तो इन एग्जिट पोल पे नहीं जाया जा सकता। जनता की जो रुचि है, जनता की पसंद है, जनता का जो मैंडेट है, वो निश्चित रूप से 3 तारीख को पता लगेगा और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कांग्रेस सरकार बनाएगी, स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बनाएगी। अगर हम सारे प्रदेशों में, चाहे तेलंगाना हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे इन चारों जगह पर कांग्रेस सरकार बनाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल 2023 की भविष्यवाणियों के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रमन सिंह ने पार्टी की जीत पर भरोसा जताया और कहा कि पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने मीडिया से कहा भाजपा सरकार बनाने के लिए मजबूत बहुमत हासिल करने की और अग्रसर है, 3 दिसंबर तक नतीजों से अनुमान है कि कांग्रेस 35 सीटों से नीचे गिर जाएगी, यहां तक कि 40 सीटों के अखंडे तक पहुंचने में भी असफल रहेगी। नतीजे का विश्लेषण करने के बाद छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक बात स्पष्ट है कि कांग्रेस और कांग्रेस की वर्तमान स्थिति में जो गिरावट आई है, 69 सीट से गिरते गिरते 3-4 एग्जिट पोल ने उनको 40 और 42 तक मिनिमम दिखाया है, इसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस और कांग्रेस के वोटों के प्रतिशत में जबरदस्त गिरावट आई है और वो आखिरी 40 और 42 तक जाकर रुक रहा है। दूसरी तरफ तुलनात्मक यदि अध्ययन करें, भारतीय जनता पार्टी की सीट 15 से बढ़ के
48 और 46 तक दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्राफ। उड़ीसा के क्योंझर जिले में NH-20 पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 7 लोगों की हालत गंभीर रूप से घायल हो गई। ये दुर्घटना उस वक्त हुई जब यात्रियों से भरी एक वैन ने खड़े ट्रक में टक्कर मारी। सभी मृतक गंजम के दिकपहाड़ी के रहने वाले थे। हादसा उस वक्त हुआ जब पोदामारी गाँव से 20 लोग वैन में सवार होकर जिले के माता रानी मंदिर जा रहे थे। इसमें से 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक अन्य ने गटगांव अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शुरुआत में घायलों को गटगांव अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में कटक के SCB मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। ये दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि वैन के परकच्छे उड़ गए हैं। राजस्थान BJP के अध्यक्ष CP जोशी ने दावा किया है कि राज्य में BJP कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, इस बार पार्टी 135 सीट के साथ सरकार बनाने वाली है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि BJP की बहुमत के साथ सरकार बन रही है। PM के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है और कांग्रेस के प्रति गुस्सा है। ऐसे में CP जोशी का कहना है कि इस बार कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार की विदाई तय है। मैं अन्य राज्यों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन राजस्थान की मैं समझता हूँ। पिछले 8 महीनों में पूरे राजस्थान भर में प्रवास करने का मुझे अवसर मिला है, लोगों के बीच में जाने का, जनता के बीच में जाने का अवसर मिला है। किसान, युवा, महिला, हर वर्ग में, गरीब में, सब में जाने का मुझे अवसर मिला है। दलित किसान भाइयों के साथ बैठने का अवसर मिला है। तो उस दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोगों में गुस्सा है कांग्रेस के प्रति, वो गुस्सा निश्चित रूप से कांग्रेस की विदाई को तय करेगा। और जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, लोग कहते हैं कि बाकी हमने इतने सालों तक नारे और वादे सुने, लेकिन मोदी जी ने करके दिखाया। आज गरीब के आंसू पहुंचने का काम, गरीब के जीवन को उन्नत बनाने का काम, उनकी समृद्धि के, उनके सशक्तिकरण का काम। विश्व एड्स दिवस के मौके पर स्वास्थ्य विभाग दार्जिलिंग जिले की ओर से एक रैली निकाली गई। इसके माध्यम से शहरवासियों को HIV/AIDS के प्रति जागरूक किया गया है। इस रैली का उद्घाटन डॉक्टर रुद्रनाथ भट्टाचार्य ने द्वारा किया है। उन्होंने इस मौके पर लोगों से कहा कि कुछ सावधानियां बरतने से एड्स जैसी बीमारी से बचा जा सकता है, इसलिए आवश्यक है कि इस बीमारी के बारे में जानकारी दी जाए, जागरूक रह जाए। स्थानीय भागा जितिंग पार्क से रैली शुरू होकर अस्पताल मोड़, हिलकार्ट रोड, विधान रोड होते हुए फिर भागा जितिंग पार्क में जाकर समाप्त हुई है।